हेलो फ्रेंड्स, आज हम फिर से मिलते हैं एक नई वीडियो में। होपफुली आप लोग सभी लोग अच्छे होंगे। और आज हम देखेंगे जो हमने पहले आउटलाइन ट्यूटोरियल बनाया था आशीष चंचलान जी का, आज हम शेडिंग ट्यूटोरियल बनाएंगे। बट उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना। तो चलो आज हम वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। जैसे कि आप देख रहे हैं आउटलाइन वीडियो मैंने पहले बना दिया था, अब शेडिंग ट्यूटोरियल है और हम स्टेप बाय स्टेप ड्रॉ करेंगे, शेडिंग करेंगे। अभी मैंने आईरिस और आईज़ को बनाया और आप देख सकते हैं मैंने अच्छे से पेंसिल शार्प करके डिटेलिंग करी है। एंड अब मैं आईब्रो पे ड्रॉ कर रहा हूँ, जिस एरिया में ज़्यादा डार्क है उधर पे डार्क और जिस एरिया में लाइट है उधर पे लाइट शेडिंग करेंगे। एंड आपने देखा मैंने आईज में जो चारकोल था उसी से मैंने साइड की भी थोड़ी शेडिंग कर दी है। देन अब मैं मोनो जीरो इरेजर का यूज़ कर रहा हूँ हाइलाइट्स के लिए, जो आईज की हाइलाइट्स है उसके लिए मैंने मोनो जीरो इरेजर का यूज़ करा है। देन अब मैं सेकेंड आईज पे शेडिंग कर रहा हूँ और डार्क एरिया इसके लिए मैंने चारकोल पेंसिल का यूज़ करा। देन फिर से मैंने हाईलाइट के लिए मोनो जीरो इरेजर का यूज़ करा। अब मैं सेकेंड वाली वो आईब्रो ड्रॉ कर रहा हूँ। देन अब हमें एक बेस कोट डालना है, मैंने यहाँ पे 2B का यूज़ करा है, आप 3B का या HB का भी नॉर्मल यूज कर सकते हैं। देन इसे ब्लेंड कर लेंगे। देन मैं इसको ब्लेंड करने के लिए पहले ब्रश और अब मैं टिश्यू का पेपर का यूज़ करा, आप कॉटन बर्ड या ब्लेंडर का यूज़ कर सकते हैं। देन मैं नोज टेल्स को करूँगा ड्रॉ चारकोल पेंसिल से। अब मैं डार्क एरिया ऑब्जर्व करूँगा रेफरेंस फोटो में से। आपके पास भी जो रेफरेंस फोटो है उसको अच्छे से ऑब्जर्व करके ड्रॉ कीजिएगा। देन अब मैं ब्लेंड कर लूँगा एंड हाईलाइट्स के लिए मैं मोनो जीरो इरेजर का यूज़ कर रहा हूँ। अगर आपके पास मोनो जीरो इरेजर नहीं है तो आप किसी और इरेजर का यूज़ कर सकते हैं। एंड अब मैं 6B का यूज़ कर रहा हूँ डार्कर शेड के लिए। देन मैं इसे और डार्क करने के लिए चारकोल पाउडर का यूज़ कर रहा हूँ एंड इसे हम ब्रश से ब्लेंड भी कर लेंगे साथ ही साथ। एंड अब मैं टीथ के दांतों के डेप्थ एरिया के लिए चारकोल पेंसिल का यूज़ कर रहा हूँ। एंड अब मैं लिप्स बनाने के लिए नॉर्मल 3B और 6B का यूज़ कर रहा हूँ एंड इसे ब्लेंड कर दूँगा। अब हम और डार्कर शेड के लिए 6B का यूज़ कर रहे हैं बट लाइटली शेडिंग करनी है, हमें लेयर बाय लेयर शेडिंग करनी है। अगर आप बिगिनर हैं तो आपको लेयर बाय लेयर शेडिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर एक जगह पे ज़्यादा डार्क हो जाए तो आप जल्दी से उसको ठीक नहीं कर पाएंगे। मैं भी आपको लेयर बाय लेयर शेडिंग करके दिखा रहा हूँ। देन हम सैंड पेपर का यूज़ करके पेंसिल को अच्छे से शार्प कर लेंगे एंड टिश्यू से पाउडर को साफ कर लेंगे अच्छे से। देन हमें पतले पतले स्ट्रोक्स लगा के हेयर ड्रॉ करने हैं एंड रेफरेंस फोटो को ऑब्जर्व करते हुए हमें डार्क और लाइट एरियाज को ऑब्जर्व करना है। Thank you.
आपको रेफरेंस फ़ोटो को देखते हुए सही डायरेक्शन में स्ट्रोक्स लगाने ताकि आपके जो हेयर्स है वो एकदम परफेक्टली ड्रॉ हो। एंड अब हम इसे ब्लेंड कर लेंगे अच्छे से। देन मुझे लगा यहाँ पे और डार्क होना चाहिए तो मैं इसलिए दोबारा एक और लेयर कर रहा हूँ चारकोल पेंसिल से। मैं पूरे हेयर में एक और लेयर करूँगा और इसे डार्क कर देंगे और भी ज़्यादा। अगर आपकी रेफरेंस फोटो में इतना डार्क नहीं है तो आपको नहीं करना है। एंड हम इसे ब्लेंड कर लेंगे। मोनोजीरो इरेजर का यूज कर रहा हूँ हाईलाइट्स के लिए बालों में। हमें छोटे छोटे डॉट्स लगाने हैं बिकॉज शार्प बियर्ड के लिए हमें छोटे छोटे डॉट्स लगाने हैं। आप देख सकते हैं मैं कैसे डॉट्स लगा रहा हूँ। मैं थोड़ा सा और डार्क करना है। मैं चारकोल पाउडर का यूज़ कर रहा हूँ। एंड अब आप देख सकते हैं कि हम कैसे छोटे छोटे डॉट्स लगा रहे हैं। एंड अभी मैं एक बारी फिर से हाइलाइट्स के लिए मोनोजीरो इरेज़र का यूज़ कर रहा हूँ। दोस्तों ड्राइंग और वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है तो इसलिए अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना। एंड ये फर्स्ट पार्ट है। सेकंड पार्ट में मैं पूरी शेडिंग का ट्यूटोरियल लाऊंगा और इस वीडियो में इतना ही। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए गुड बाय टाटा एंड एंजॉय द वीडियो।